नमस्कार दोस्तों बी यानी बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में जी हाँ दोस्तों देखा जाए तो हम लोगों ने काफ़ी समय से इन दोनों बड़े स्टार को एक ही मूवी के अंदर लीड रोल एक्टिंग करते भाई नहीं देखा फिलहाल कई ऐसी मूवी आई हैं जिसमें सलमान खान ने शाहरुख खान की मूवियों में कैम्यू रोल किया है और हाल ही में रिलीज़ हुई पठान मूवी में भी सलमान खान ने कैमयू रोल किया है लेकिन अब उनके जो फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है अब ये दोनों बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार एक साथ एक फिल्म में आपको देखते हुए नज़र आएंगे जी हाँ दोस्तों देखा जाए तो जो यशराज बैनर है वो स्पाई यूनिवर्स तैयार कर रहा है और वो भी बहुत बड़ा और हाल ही में इस यूनिवर्स की आई मूवी पठान ने तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में धमाल और बवाल मचा करके रखा हुआ है और एक कमाई का अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों और इसी के चलते इस यूनिवर्स की दो और मूवी हैं जो कि हिस्सा हैं एक तो टाइगर थ्री और वार अगर देखा जाए ये दोनों मूवी भी सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी हैं स्पाई यूनिवर्स की अब यशराज बैनर इस स्पाई यूनिवर्स को और बड़ा बनाना चाहता है जिसके चलते अब वे लोग सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर के एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें शाहरुख और सलमान खान एक दूसरे के होंगे आमने सामने जी हाँ दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो यशराज बैनर ने इस स्पाई यूनिवर्स को बहुत ही बड़ा बनाने के चक्कर में है जिसके चलते अब वे एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसमें सलमान खान शाहरुख खान लीड रोल में होंगे और बता दूं इस यूनिवर्स का एक शख्स और भी हिस्सा हो सकता है जिनका नाम है अभिषेक बच्चन जी हाँ दोस्तों देखा जाए तो यशराज बैनर की जो मूवी बनी थी धूम सीरीज और तीनों सीरीजों में धूम वन में धूम टू में धूम थ्री में तीनों में अभिषेक बच्चन थे अब यशराज बैनर इस यूनिवर्स में अभिषेक बच्चन को भी शामिल करना चाहता है लेकिन अभी इस खबर की कोई पुष्टि हुई नहीं है दोस्तों तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा कि जब सलमान खान और शाहरुख खान एक ही मूवी में लीड रोल एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे और दोस्तों स्पाई यूनिवर्स से जुड़ी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय